गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में समुद्र विज्ञान देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी। तो ओशनोग्राफी में हम लोग देख रहे थे ओशन करंट क्या है, महासागरीय जलधाराएँ क्या है और महासागरीय जलधाराएँ की उत्पत्ति होने के कारण। तो महासागरीय जलधारा उत्पत्ति के होने के कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें से कुछ कारण थे महासागरीय जलधारा उत्पत्ति के कारण। ठीक है, हम लोग देख रहे थे महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण। इसमें हम लोग देख रहे थे कि महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कुछ कारण थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग देख रहे थे पहला कारण पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा था तापमान टेम्परेचर, तीसरा में देख लिए थे हम लोग लवणता, चौथे में गुरुत्व, पांचवें में देखेंगे हम लोग वर्षा, छठे में देखेंगे बर्फ का पिघलना और सातवें में देखेंगे हम लोग वायुदाब। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसका, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहाँ हम लोग देख लिए हैं पृथ्वी का घूर्णन और तापमान देख चुके हैं, आज देखेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हम लोग पृथ्वी का घूर्णन तापमान लवणता देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे किसको, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या है, यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने का क्या है। गुरुत्वाकर्षण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्व के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है G=mr² होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये क्या है मास है और ये क्या है रेडियस है। तो इसकी प्रेजेंस बात करते हैं पृथ्वी का, G=Me/r². तो क्या है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये क्या हो गया पृथ्वी का त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या हो गया नियतांक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पृथ्वी की त्रिज्या एक समान नहीं है, पृथ्वी जो है उसकी त्रिज्या एक समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी क्या एक गोला या स्फीयर नहीं है, क्या क्या है एस्फेरॉइड है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की त्रिज्या एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी ना गोला है या स्फीयर, बल्कि
एस्फेराइड कैसा है? एस्फेराइड है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या एक समान नहीं है क्योंकि पृथ्वी एक गोला या एस्फेयर नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसा है? एस्फेराइड है। बात समझिए, पृथ्वी एक गोला नहीं है, ये क्या है? गोला या इसको एस्फेयर कहेंगे, गोला या एस्फेयर कहेंगे इसको, एस्फेयर, ठीक है। बट पृथ्वी हमारा एस्फेयर नहीं है, पृथ्वी हमारा गोला या एस्फेयर नहीं है, पृथ्वी हमारा एस्फेराइड है। देखिए एस्फेराइड कहने का मतलब सेंस है ऐसे, पृथ्वी क्या है? एक गोला ना होके क्या पृथ्वी क्या है? एक एस्फेराइड है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? एक एस्फेराइड है। अब यहां बात करते हैं गोला में क्या होता है कि पृथ्वी जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो क्या होगा? चारों तरफ बराबर होगा। बट एस्फेराइड में क्या होगा? यहां पे देखिए, जैसे एस्फेराइड है, क्या है? एस्फेराइड शेप है इसका, ठीक। कैसा है? एस्फेराइड है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर है पृथ्वी की। अब यहां से अगर हम यहां से खींचे, देखिए, तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या बात करें यहां से, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या आ रही है? त्रिज्या क्या कम आ रही है? यहां की जो रेडियस है, यहाँ की जो रेडियस है, मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है? कम है, ठीक है। और ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पास जो इधर ला रहे हैं, तो इसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। त्रिज्या क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। ये विषुवत रेखा और ये होगा ध्रुव का, ठीक है। ये पोल का हो गया और यह इक्वेटर का हो गया। तो नॉर्थ पोल से बात करें या फिर साउथ पोल से बात करें, तो इसका रेडियस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो इसकी रेडियस क्या होगी? अधिक होगी, रेडियस इसकी अधिक होगी। अब यहां देखिए, अभी आप लोग बता चुके हैं कि जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी बाय एम ई बाय आर का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले लेते हैं ध्रुव पे, मतलब साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ठीक है। तो पोल की बात करते हैं, जब हम पोल की बात करेंगे, चूंकि पोल पे क्या है, जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोल पे रेडियस क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा। बात किसे कर रहे हैं भैया? हम इसकी बात कर रहे हैं ध्रुव पे। चूंकि ध्रुव पे आर बराबर कितना होगा? रेडियस क्या होगा? मिनिमम होगा। रेडियस क्या होगा? ध्रुव पे कम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पुट करेंगे जी इक्वल टू जी बाय एम ई बाय क्या है? जो रेडियस है क्या कैसा है? मिनिमम है, तो मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैक्सिमम। तो जो ग्रेविटेशन से जाएगा, जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जी का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात करते हैं विषुवत रेखा की, बात करते हैं विषुवत की, बात करते हैं ये किसका हुआ? ध्रुव की बात हुआ। अब बात करते हैं विषुवत की, बात करते हैं विषुवत की, बात करते हैं तो विषुवत पे यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या होगा? रेडियस पे
इसका रेडियस का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जी का वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे हम, जी बाय जी इंटू एम ई बाय आर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मिनिमम, क्या आएगा, मिनिमम। तो जी का एक वैल्यू आएगा, क्या आएगा, मिनिमम आएगा। जी का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू मिनिमम आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो ध्रुवों पे अधिक होता है। यहाँ पे प्रूफ क्या किए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ध्रुव पे मैक्सिमम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, ध्रुव पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और विषुवत रेखा पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो विषुवत रेखा पे, एक इस पे विषुवत रेखा पे, ठीक है, और किस बात हो रहा है, ध्रुव पे, पोल पे। तो पोल पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इक्वेटर पे मिनिमम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, समझिए, यहां पे जो दिखाई, तो विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे जी का वैल्यू, जी क्या हो गया, वो यहां पे मिनिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां का जो रेडियस है, रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। यहां पे रेडियस मैक्सिमम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहां पे क्या होगा, रेडियस जो है, त्रिज्या जो है यहां पे मिनिमम है, तो ग्रेविटेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब रेडियस मिनिमम होगा तो ग्रेविटेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। कहां पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, पोल पे अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल पोल पे अधिक होगा और विषुवत रेखा पे कम होगा। आगे देखते हैं, अब यहां देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये आपका विषुवत रेखा है, क्या आपका है, विषुवत रेखा, ये आपका नॉर्थ पोल, आपका ये साउथ पोल, ये आपका जीरो डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, जीरो डिग्री इक्वेटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहां देखिए, ये महासागरीय यहां पे जल है, यहां पे महासागरीय जो जल है, तो महासागरीय जो जल धारा है, यहां पे जल है, वो किधर जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। जैसे विषुवत रेखा ये है, ध्रुव ये है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर इधर से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे, एक्सप्लेन करते हैं यहां पे, देखिए बात करते हैं विषुवत रेखा पे, बात करते हैं किसके, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे त्रिज्या जो है, त्रिज्या है वो क्या है, विषुवत रेखा पे त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, त्रिज्या क्या है, अधिक है। जब विषुवत रेखा पे त्रिज्या अधिक होगी तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, गुरुत्व क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण कम होगा, ठीक है, यहां समझिएगा। विषुवत रेखा पे त्रिज्या जब अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो महासागरीय जल ऊपर उठेंगी, जल ऊपर उठेगा, ठीक है, जल क्या होगा, ऊपर उठेगा, जल ऊपर उठेगा तो सी लेवल, सी लेवल क्या होगा, अधिक होगा। जब सी लेवल अधिक होगा तो सी लेवल क्या होगा,
अधिक होगा। जल स्तर अधिक होगा। ठीक है, विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? अधिक होती है। जब त्रिज्या अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी? कम होगा। और गुरुत्वाकर्षण जब बल कम होगा तो पृथ्वी जो जल है, महासागरीय जल क्या है? ऊपर उठेगा। ठीक है, जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? सी लेवल जो है, जल स्तर जो पानी का है, वो अधिक होगा। ठीक है, तो यह विषुवत रेखा पे हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे ध्रुव पे, बात करते हैं तो ध्रुव पे क्या होता है? तो ध्रुव पे यहाँ पे क्या होगी, यहाँ का त्रिज्या क्या होगा? जो त्रिज्या है यहाँ का रेडियस है, वो रेडियस क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे रेडियस कम, जब रेडियस कम होगा, यहाँ का रेडियस कम होगा, त्रिज्या कम होगा, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, जब त्रिज्या कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। जब गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो जल क्या होगा? जल नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा। ठीक है, क्या होगा? जल होगा नीचे बैठेगा। तो जल नीचे जब बैठेगा तो क्या होगा? सी लेवल क्या होगा? सी लेवल कम होगा। मतलब अर्थात सी लेवल कम होने का मतलब क्या है? जल स्तर कम, जल स्तर कम होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यहां पे जल स्तर क्या होगा? सी लेवल अधिक, यहां सी लेवल अधिक है और यहां पे सी लेवल क्या है? कम है। यहां भी क्या है? सी लेवल कम है। तो महासागर जो जलधाराएं जो उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? अधिक से कम की ओर। तो महासागर जलधाराएं अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। तो महासागर जलधारा उत्पत्ति होने का प्रमुख कारणों में से एक कारण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जहां महासागर जलधारा भी उत्पत्ति होती है। आज क्लास में बस इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पे बात करते हैं महासागरीय जलधारा उत्पन्न होने का कारण जो है वर्षा।